सुनो पापा, आओ और मेरी मदद करो ना। जरा रुको बेटा, मैं पहले इन एलियन से तो भिड़ लूं। मैं भी उन्हीं को हराने में लगा हूँ। आप दोनों कर क्या रहे हो? आप दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हो? क्या सच्ची? माफ करना साकिर, भूख लगी है तो कुछ सोचा ही नहीं। डार्लिंग खाना कहाँ है? मैं बैगन बना रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाएगा। खाना, असली मजा तो इसमें आएगा। अरे यार, ये क्या मंगा लिया? चलो खाते हैं। ये लो बैगन तैयार है, सब आ जाओ। ये कूड़ा कचरा हर वक्त नहीं खाना चाहिए। पता है मैदा कितना नुकसान करता है? इससे दूर रहना है तो बस एक ही तरीका है, और वो है हरी सब्जियाँ। हाँ, मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो, मैदा बेकार होता है। अरे वाह, मस्त पिज्जा था। गलत बोल रहे हो, एकदम जबरदस्त था। आज तो सच में बहुत मजा आया है ना? अगर एक बार बैंगन ही खा लेते तो क्या जाता तुम लोगों का? कम से कम हेल्दी रहते है। भला पिज्जा खाने के बाद कौन बैंगन खाता है? अच्छा सुनो, एक जरूरी बात कहूँ, मुझे फिर से भूख लग गई। क्या? मैं भी कुछ कहूँ, मुझे भी लगी है। अगर सब आइसक्रीम खाएं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं, अब तुम लोग हद पार कर रहे हो। अरे वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। पापा, आपने कुछ सुना? हाँ, लगता है वो धरती पर आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? डरो नहीं, बिल्ली होगी। एकदम ठीक पहचाना, जल्दी छुप जाओ। हाँ, शायद और भी हैं। कौन हो तुम? अरे अगर अपनी जान प्यारी है तो छुप जाओ। ये क्या है, कहीं पिज्जा तो नहीं? अपनी जान प्यारी है तो चुप हो जाओ। कौन आ रहा है? लो, ढूंढ लिया हमें। नहीं, ब्रोकली मुझे नहीं पसंद। ये सब्जियां गुंडे मवाली है, जान बचाओ अपनी, भागो। जल्दी करो, कूदो। अगर जान बचानी है तो अंदर आ जाओ जल्दी। निकाटे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पिज्जा को कभी ना नहीं कह सकता, तुम जानते हो ना। अरे रुको, मैंने कहा रुको, उनके साथ मत जाओ। देखो देखो, वो भाग गए। चलो जल्दी अपनी गाड़ी निकालो। वो पास आ रहे हैं, अब क्या करें? हॉट डॉग रीजा, क्या बक्से भरे हुए हैं? हाँ भरे हैं। जय बात, जो हाथ में आए दे के मारो। हाँ, ये लो। हाय दया, इसने तो स्टेरिंग व्हील उखाड़ दिया बच के। ये क्या किया निकाटी? मैंने कहा था बक्से से निकाल के मारो, स्टेरिंग व्हील को मार दी। ओ, तू साफ कहते ना, पहले अपनी मूछें तो देखो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अरे क्या पकड़ कर चलाओ, कुछ है ही नहीं। तुम्हें स्टेरिंग व्हील की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाओ। बचपन में मैंने कभी भेजा नहीं खाया तो दिमाग बना ही नहीं। अरे इतना सोचो मत, जो हाथ में लगे उठा के फेंक के मारो उन्हें। उठाओ और मारो, मारते रहो। हमें ये और चाहिए होंगे। ये क्या कर रहे हो निकाटी, उसे भी फेंको ना। इसे कैसे फेंक सकता हूँ? हम फिसल रहे हैं, उसे नहीं संभल रहा। अरे आगे देखो। हम पहुँच गए, बस थोड़ी दूर और। मैंने अपना दिमाग लगा लिया, कमाल हो गया। बहुत अच्छे, क्या सोचा तुमने? अरे सब लोग कूदो। ये कौन सी जगह है? खाने की जगह लग रही है, मजा आएगा। वो तो पता है, पर हम यहाँ आए क्यों हैं? ये हमारा अड्डा है, हम अपने अड्डे पर इसी किचन के रास्ते होते हुए जाते हैं। क्या तुम्हारा अड्डा? हमें यहाँ क्यों लाए हो? अब तुम लोग भी शामिल हो चुके हो, वो सब्जियाँ तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बच के रहना। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता निकाटी, ये कहता कुछ है और करता कुछ है। हाँ, वैसे मैं इसे थोड़ी देर में खाऊंगा समझे। अब इस मुसीबत से हमें एक ही आदमी बाहर निकाल सकता है, और वो है मैदा मामा।
मैदा मामा, दरवाजा खुला है, किचन की ओर चलो, जल्दी करो सब। ये देखो, ये है जाने का रास्ता। ये हमें पहले क्यों नहीं दिखाया तुमने? मैं तो चला। हे हे। लो, मैं भी आया। अंदर ठंड है क्या? नहीं तो, अंदर काफी मजा आ रहा है। रैमजी, आओ, अंदर गर्मा गर्म है। ठीक है, देखता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। स्वागत है फास्ट फूड की दुनिया में। वाह, क्या नजारा है। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो किसी सपने से कम नहीं है। पिज्जा पेड़ पर उगते हैं। हाँ, ये क्या है, मिनी पिज्जा? ये देखो कितना बड़ा है, देखकर मजा आया। वाकई कमाल है। वाह, कितना बड़ा है। क्या मैं भी कर सकता हूँ प्लीज? अरे बिल्कुल मेरे बच्चों, तुम्हें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। जो मन में आए वो खाओ, जो करना है करो, किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। मम्मी की तरह? हाँ, अगर वो यहाँ होती तो वो कहती कि ये मत खाना, वो मत पीना, उसमें मैदा है, इसमें कैलोरी है। मैंने इस गुब्बारे से गोल चीज बना दी। गुब्बारा गोल ही होता है निकाटी। उड़ गुब्बारे, उड़कर आजाद हो जा। बहुत बढ़िया। ये दीवार पर किसके कपड़े टंगे हैं? वो दरअसल ये हमें मेहमानों की तरफ से कुछ तोहफे मिले हैं जब वो हमसे मिलने आए थे। हैं? तो क्या वो नंगे वापस गए? अरे वो सब जाने दो, अब तुम लोग हमारे मेहमान हो, एक बढ़िया सा जश्न मनाएंगे हम लोग। जो जी में आए वो करो, जो जी में आए वो खाओ, और अपनी लाइफ के मजे उड़ाओ। आज का दिन बहुत ही स्वादिष्ट है। आज के दिन हम अपने मेहमानों को खाना खिलाते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। मुझे उबला हुआ चाहिए। ओवन में बनाते हैं खाना या फिर सैंडविच बनाते हैं? ये लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या तुम मेरी पीठ पर तेल लगा दोगे? ये तुम क्या कह रहे हो निकाटी, हम कुश्ती लड़ेंगे क्या? ये उन लोगों ने दिया ताकि हम एक दूसरे को मल सकें। पहले कूदने को कहा, फिर खाने को, अब ये तेल, और उन्होंने हमारे कपड़े भी ले लिए। कहीं ये? और आज के दिन हम लोग यहाँ। बस बहुत हुआ, तुमने बहुत बोल लिया, आओ अब खा लेते हैं। वो सही कह रहा है, अब खा लेते हैं। अच्छा, जैसा तुम लोग कहो, पार्टी शुरू की जाए। अरे वाह, आज तो जम के खाऊंगा। और अब हमारे मेहमानों को इसमें डाल दो। अरे रुको 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 रुको, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, इसमें क्यों डाला? ये क्या हो रहा है? ये हमें खाने वाले हैं। अरे वाह, हाथी भी फिट आ गया। हे भगवान, हम खुद दावत बन गए पापा। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? भागो यहाँ से। ये तो बुरी सब्जियाँ हैं। अब देखो हमारा कमाल। हे भगवान, ये लोग फिर यहाँ किस लिए आए हैं? ये लो मोटापे के तुम। ये लो, हो सके तो बचो। कैरेट हेड, हमें यहाँ से बाहर निकालो। अभी लीजिए बॉस। जल्दी करो गाइस, हरी अप। तुम सब कौन हो? मेरा नाम ब्रोकली है। मुझे ब्रोकली से सख्त नफरत है। पता है, कोई पसंद नहीं करता मुझे। तुम ही लोग थे ना जो उस सड़क पर हमारा पीछा कर रहे थे? हम तो रोकने की कोशिश कर रहे थे। इन फास्ट फूड ने तुम्हें बहलाया फुसलाया और हमें बुरा बना दिया। इस तरह से उन्होंने तुम्हें अपनी दुनिया की ओर खींचा। वो तुम्हें उस हांडी में पकाना चाहते थे। मुझे पहली बार तुम पसंद आई ब्रोकली। ओह नो, वो लोग पीछा कर रहे हैं। पकड़ो उन लोगों को। मेरा खाना लेकर भाग गए। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम्हें उस दरवाजे को पार करना पड़ेगा और अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। वो वापस आ रहे हैं, नीचे उतरो, नीचे उतरो। हाँ, घर जाने का वक्त आ गया। क्या आप नहीं आओगे? नहीं बच्चे, हम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक हम इस गंदी जगह को साफ नहीं कर लेते। ये तुम्हारी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। तुम जानते हो ब्रोकली, तुम बहुत अच्छे हो। शुक्रिया दोस्तों, अब जाओ, दरवाजा पार करने के बाद हांडी का ढक्कन लगाना मत भूलना। फेंको फेंको, उन्हें जाने मत देना आज। मैंने तुम्हें अपना गुब्बारा दिया था निकाटी, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? ये ऐसे। चलो कूदो जल्दी।
हम वापस आ गए हो। बाप रे बाप, कहाँ चले गए थे? मैंने उस मैदे मामा की अच्छी खबर ली ना। बोलो, तुमने देखा ना? हाँ कि नहीं? एकदम मस्त शॉट था ना? क्यों, कैसा लगा? अब हम ये वजन कैसे कम करेंगे? मैं तुम्हारी माँ से बोलकर आज रात ब्रोकोली बनवाता हूँ। सब्जियाँ अच्छी होती है। वो ब्रोकली भाई वाकई में बहुत अच्छा बंदा था। हे, आ गए तुम लोग? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। पिज्जा। ये क्या? मैंने ऐसा क्या कहा? अब मैं इसका क्या करूँगी? मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। तुम्हारा दिन अच्छा रहे दोस्त। शुक्रिया। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे दोस्त। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे तांजू। ये लो तुम्हारे लिए ये हड्डी वाला खास तोहफा। अरे वाह, क्या हड्डी है! मैं तो इसे ऐसे ही चबा जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक कुत्ते को अपनी हड्डी सालों छुपा कर रखनी पड़ी है। जमीन में दबे रहने से ये और लजीज हो जाती है। अब जाओ और इसे कहीं अच्छी जगह देख कर दफना दो। ठीक है, करता हूँ। अरे बाप रे, चलो अब मैं इस हड्डी को छुपा सकता हूँ। सुनो, खाना तैयार है, सब अपनी प्लेट्स ले आओ। मुझे कोई प्लेट नहीं चाहिए दादाजी, बस हवा में उछाल दो। तो ये लो। पापा, देखा आपने? हाँ, क्या हुआ बेटे? अरे अरे, मेरा एक सवाल है, ये ट्रक कितना वक्त लेगा इस पुल को खाली करने के लिए? मंडे तक। नहीं, गलत जवाब। तांजू, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पुल को खाली क्यों कर रहे हो? तुमने वहाँ पुल क्यों बनाया जहाँ मैंने अपनी हड्डी दफनाई थी? ये देखो, मुझे देखो देखो, ऐसा करतब तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। तांजू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हमें कौन से सपने आएंगे कि तुमने हड्डी का छुपाई है? ये मेरा घर है। अरे तुमने मुझसे एक बार पूछने की जरूरत तक नहीं की कि मैंने यहाँ कोई हड्डी वड्डी तो नहीं छुपा रखी। तीन। निकाटी, पानी खत्म हो रहा है। चलो बाहर निकलो। तांजू, पहले तुम ट्रक को बंद करो। दो। पानी पूरा खत्म हो गया निकाटी। एक। यहाँ से निकलो। ये देखो मेरा कमाल। रुक जा। अरे तोड़ दिया तुमने, तोड़ दिया। क्या टूट गया? चलो हटो, मेरी बारी है। अब मेरी बारी है निकाटी, उठो उठो। नहीं उठ सकता, शायद मैं फंस गया हूँ। तांजू, तुम्हें तुम्हारी हड्डी चाहिए या नहीं? अरे हाँ चाहिए, लेकिन पहले से पकड़ो तो सही। आओ दोनों मिलकर उठाते हैं इसे। जोर लगा के हर्षा, उठाओ मुझे। ओह, ये तो गए, निकाटी नीचे गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं उसके कबाब खा सकता हूँ। और मैं यही हूँ। चलो काम पर लगो। तांजू, ये तुम खुदाई का काम कब तक बंद करोगे? तुम्हारे वजह से हम पुल में नहीं जा पा रहे हैं। वो तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अकेले खोदूंगा तो शायद काफी वक्त लग सकता। पापा, मैं पुल में जाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी वो पुल चाहिए। वैसे अगर सबको पुल की जरूरत है तो हम तांजू की मदद करेंगे ताकि उसे अपनी हड्डी जल्द से जल्द मिल सके। अरे वाह, मजा आ गया। ठीक है, फिर पकड़ो इसे और खोदना शुरू करो। तो तुम बात कर रहे थे निकाटी, बोल, बच्चन देना बहुत आसान है। पर मैं कहीं भी खोद नहीं सकता, मुझे ना खोदने नाम की बीमारी है। डॉक्टर ने सख्त कहा है, पुल या किसी और को मत खोदना। माफ करना, जब तक हम खोद रहे होंगे तब तक तुम क्या करोगे? वही जिसे करने में बेहद माहिर हूँ, खाली बैठना। इसका क्या मतलब हुआ? वाओ, हमें खुफिया सुरंग मिली है। मुझे नहीं पता था कि अपने घर के नीचे ऐसा भी कुछ होगा। हाँ? क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? ये क्या है, गर्मा गर्म लावा हमारी ही तरफ आ रहा है। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? भागो जल्दी से, अरे भागो रे। हे हे, यहाँ यहाँ आ जाओ। यह इस तरफ आओ,
खाना खा लो, तुम सब तो बहुत थक गए होगे, जाओ खा लो। बेटे ये हम कैसी जगह आ गए हैं? पता नहीं पापा, किसी कबीलों का अड्डा लगता है, इनके कपड़े तो देखिए। क्या तुम आदिवासी हो? आदिवासी तुम होगे, पक्का तुम ही होगे, क्योंकि तुम हमारे घर में आकर हम ही को ऐसा कह रहे हो, बड़े बदतमीज हो। पापा की बात का बुरा मत मानना, बस थोड़े से अकड़बाज है। हम ऐसे वैसे नहीं है समझे, जरा सोच समझ कर बात करना। आइए बैठ कर बात करते हैं। तांजू हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से वो हड्डी ढूंढो ना। ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, तब तक मैं उस हड्डी को ढूंढता हूँ, बस इन्हें रोके रखना, ठीक है? चलो खाना लग गया है, सब लोग खाना खा लो चल के। डिनर में क्या है? मुझे तो मस्त भूख लगी है। अहिला ये क्या बनाया है? पसंद तो हमें भी नहीं है, पर खाना पड़ता है, आसपास यहाँ और कुछ नहीं मिलने वाला। डकैती क्या हो गया तुम्हें? प्यार से देखो, हमारे बीच ताकत की आजमाइश हो रही है, जो भी अच्छा से हम कहेगा वो जीतेगा। अब मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। आप लोगों को खाना अच्छा लगा? बिल्कुल, हमें पसंद आया। तंजू गया ना? ये हड्डी आखिर गई कहाँ? आहा, तो यहाँ अंदर जाना मना है। अच्छा जी, अभी देखते हैं, जाओ जरा इसे। ओहो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तुम्हें काफी मिस किया। अरकान, यहाँ कोई नॉर्मल खाना नहीं मिल सकता क्या? नॉर्मल का क्या मतलब है? बस यही है जो भी है। तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे कि पराठा, आइसक्रीम, पिज्जा, ये सब नहीं मिलता क्या? ओ, ये तो मजेदार है, हमारे पास ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। ये चीज क्या है? ये फोन है, तुम्हारे पास नहीं है क्या? ये फोन है और क्या? तो तुम लोग ऐसी जगह क्यों रह रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं? मेरे पापा को ये जगह बहुत पसंद है, वो चाहते हैं कि हम भी पसंद करें, पर हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या अटारी गेम भी नहीं? क्या? है क्या? कैसी आवाज थी? किसी ने खुफिया दरवाजा खोल दिया? कौन है वो बेवकूफ इंसान? इधर आओ मेरे प्यारे दोस्त, इधर आ जाओ ना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, ये सब क्या चल रहा है बताओ? इस कमरे में नहीं घुस सकते। घुस सकते? फिर मैं यहाँ कैसे घुस गया? मैं तो टॉयलेट ढूंढ रहा था। वो उस तरफ है, पर ऐसे ही हर दरवाजे में मत घुस जाना। हाँ हाँ, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, इस हड्डी की क्या कहानी है, मुझे जरा बताना। ये हड्डी बहुत ही ज्यादा खास है, मैंने इसे ठीक 40 साल पहले यहीं पर पाया था जब ये जगह बनाई। ये हड्डी इस जगह की नींव है, ये पूरी की पूरी जगह इसी के ऊपर खड़ी हुई है। ये हमेशा से ही ऐसा है, प्यार जो है इस जगह से, मेरी समझ में नहीं आता इसे यहाँ क्या अच्छा लगता है। तो आ जाओ हमारे साथ, ऊपर खूब मस्ती करेंगे। वो किसी की नहीं मानेगा, इसमें कोई फायदा नहीं। अरे वो आ रहा है। वेल, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना। तो तांजू कैसा रहा सब कुछ? तुम्हें बाथरूम मिल गया था ना? तुम्हारा दोस्त गलत दरवाजे में घुस गया था, वो एक ऐसे कमरे में चला गया जहाँ वो पवित्र हड्डी रखी हुई है जिसे मैंने 40 साल पहले ढूंढा था। आहा, चलो कोई नहीं, अब हमको चलना चाहिए। हाँ चलो, सब ख्याल रखना। तो मैं चलता हूँ। गुड बाय। अलविदा। अलविदा। अब चलो भी निकाटी। पापा वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी था ना, है ना? हाँ बिल्कुल, पर अच्छा हुआ तांजू बिना हड्डी के वापस लौट आया, वरना वो खड़ूस हमें धो देता। ओ, ये क्या हो रहा है? पापा भूकंप, ये सब हम पर गिर जाएगा पापा। अरे भूकंप। अरे पापा भूकंप, ये जगह तो टूट रही है, कहीं उन लोगों ने हड्डी कहाँ गई? मेरी हड्डी। उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तांजू यकीन नहीं हो रहा, तुमने वो पाक हड्डी चुरा ली? अबे मैंने चुराई नहीं, ये मेरी अपनी ही है। तुमने चोरी की? इधर आओ, तुम्हारी तो। अरे छोड़ो मुझे।
वो तांजू तो गया, अब हम उसके बिना कैसे रहेंगे? चुप रहिए, पापा आप जाओ और तंजू मामा को बचाओ। निकाटी, तुम यहीं बैठे रहो और अपनी छाती पीटते रहो। ठीक है। और मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ, समझे? ठीक है बेटे, मैं जा रहा हूँ। हेलो दादाजी, जरा गौर से सुनिए, मेरी हड्डी वापस करो। मैं तुम्हें ये खूबसूरत जगह गिराने नहीं दूंगा जो मैंने बनाई थी। खूबसूरत जगह? आप भी ना पापा, ऐसी क्या बात है इस जगह में? हम यहाँ इसलिए रह रहे थे क्योंकि आपको बुरा ना लगे पापा। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम नालान, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? हाँ बच्चे सही कह रहे हैं, ये दरअसल कोई अच्छी जगह नहीं है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे यार ये सब जगह से गिर रहा है, हमें जल्दी से ऊपर जाना चाहिए। चलो 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 चलो। अब ये सही से लग गया। कैनन, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, अब हम इसे वापस खींचेंगे। ये क्या हो रहा है? अरे वाह, ये तो काम कर गया। हे हम आ गए। तुम्हारा स्वागत। वाह ये जगह तो मस्त है, यहाँ तो कितनी ताजी हवा चल रही है। हाँ सही कह रहे हो, कितनी ताजी हवा चल रही है। काश सेव की हम यहीं रह पाते। दरअसल मुझे भी नहीं पता। सेव की प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे घर पर बदतमीजी की। तुम चाहो तो ये हड्डी रख सकते हो। शुक्रिया, गुस्से में मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे माफ करना। तो क्या हम यहीं रहेंगे पापा? अब कर भी कह सकते हैं, सब यहीं रहेंगे। ओले, अरे वाह! मेरी मदद करो, कोई तो आओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, कोई है जो मुझे निकालेगा? भूख लग गई। अरे मैं क्या कह रहा था, प्लीज कोई मेरी मदद करो। तुम तैयार हो? बचाओ बचाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? अप्रैल फूल। सबको मिलेगा। नेचमी? हाँ बोलो। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। जी कहिए। अप्रैल फूल। उसने कहा हाँ। आज अप्रैल फूल है। ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। वो बुड्ढा हमारी ओर देख रहा है। अरे इन लोगों को कुछ करो यार भाई, अरे कुछ करो, इसे रोको। परेशान हो चुके हैं हम लोग। कितना मजा आया ना। मुझे तो अप्रैल फूल बहुत पसंद है। काश साल का हर दिन फर्स्ट अप्रैल होता। कमाल का आइडिया है, सोचो अगर घर में रखे सारे कैलेंडर्स की डेट चेंज करके फर्स्ट अप्रैल कर दें तो मजा आ जाएगा और हर दिन फर्स्ट अप्रैल होगा। बहुत ही शानदार प्लान है साकिर। ये क्या था? किस चीज से टकराए? शायद कोई अदृश्य आदमी हो। हाँ, मेरे ख्याल से जादुई दरवाजा है। बिना देखे कैसे पता लगा? उसे छूकर। क्या पता कोई जादुई दरवाजा हो। ऐसे मत सोचो, वैसे इसके अंदर क्या होगा, अंदर चलकर देखते हैं। कहीं से वापस ना आ पाए तो? मैं जाता हूँ। अगर तुम जाओगे तो मैं भी अंदर आऊँगा। हेप 10 बार, हेप 1000 बार। कहाँ आ गए, कितनी ठंड है यहाँ पर। हम उलुदाग में हैं। इसे देखो तो, ये तो गजब का है। फू गुलू गुलू। मजा आ गया। हाँ देखो तो वहाँ एक घर है। सब कुछ अद्भुत है, पहले एक जादुई दरवाजा, फिर उलुदाग के अंदर एक पिंक बॉक्स। बहुत अजीब जगह है ये। देखते जाओ, ये तो शुरुआत है, अंदर जाके देखो तो। हाँ? बहुत मजा आ रहा है।
ये लॉलीपॉप्स है ना? गाइस सुनो, मेरे पास एक प्लान है। आज ठीक आधी रात को हम उस गट्ठे के बॉक्स में जाएंगे, पास के गांव में टेलीपोर्ट हो जाएंगे और पूरे गांव को बदबूदार मछलियों से भर देंगे, ठीक है? बहुत आनंद आएगा। नहीं जानता था कि लॉलीपॉप इतने शैतान हैं। अगर हमने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो वो गांव को बदबूदार मछलियों से भर देंगे। क्यों ना सारे लॉलीपॉप्स खा लें? नहीं नहीं, बहुत समय लग जाएगा इसमें। हमें उस गांव में जाकर सबको सावधान करना होगा। तो बताओ, आधी रात होने से पहले सबको कैसे बताएं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। कबूतर के पैर में चिट्ठी बांधकर हर घर में भेजेंगे। यही करेंगे। दोस्त तुम वाकई बेवकूफ हो, पर कभी कभी प्लान अच्छा बनाते हो। आज कोई घर से बाहर ना जाए, सब लोग अपने अपने घर के अंदर ही रहे। निकाटी ये लो, कबूतर के पैर से बांधो। हाँ, हमें चिट्ठी को अच्छे से बांधना होगा और मैं इसे हवा में उछालता हूँ और ये उड़ा डाकिया। सीधा फेंकना चाहिए था। स्विंग बॉलिंग कर रहे थे क्या? फिर से कोशिश करूं? नहीं, देखो हाथ मत लगाना, दूर रहो मुझसे, मैं जा रही हूँ, मुझे आता है चलना। शायद स्पीकर से बात बन जाए। अरे नहीं, फिर से नहीं, भागो। बुरी बात है, गलत किया हमने। तांजू हमसे डर रहा है। हाँ ठीक है, तो माइक भी चालू है। अब इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग? पहुंच चुका हूँ मैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हर बात बेवकूफ बना रहा है। 1 2 3 माइक टेस्टिंग। मैं हूँ निकाटी। ये लो रैमजी, अब तुम्हारी बारी। थैंक्स निकाटी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी बात गौर से सुनना। आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, आज 1 अप्रैल है ना? हमें पता था तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुके हैं। इनकी बकवास मत सुनना, फिर से कोई प्रैंक करेंगे ये लोग, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, आज कोई मस्ती नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ओहो, ठीक है, बताओ क्या बताना है। निकाटी और मैंने एक जादुई दरवाजे को पार किया, एक गत्ते के बॉक्स में से गुजरकर उलुदाक पहुंचे। वहां पर एक सेलो था, वहां बहुत से लॉलीपॉप बैठकर शैतानी प्लान बना रहे थे। उनका इरादा है अंधेरी रात में चुपके से पड़ोस के गांव में जाकर हर जगह को गंदी और बदबूदार मछलियों से भर देना। मैं जानता था फिर से इनकी कोई शरारत है। बहुत हो गया, अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इन लोगों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये लोग कैसे नहीं मानेंगे? जब न तब देखो परेशानी करते रहते हैं। आज इन्हें सबक सिखाएंगे हम। नहीं, ये मजाक नहीं है, भरोसा करो हम पर। ये इसे भी बांध दिया। मजाक करने की बारी अब हमारी है, समझे? बांध दिया। कल सुबह तक ये लोग यहीं बंधे रहेंगे। चलो दोस्तों, चलो यहाँ से चलते हैं। सब चले गए, अब इतनी लंबी रात किस तरह से काटेंगे? कहो तो एक मस्त चुटकुला सुनाओ। नहीं, सुनाने दो ना प्लीज। क्या था वो? हाँ याद आया, एक आदमी के पैर हवा में थे और उसका सर नीचे था। एक आदमी पर म्यूजिक सिस्टम गिरा, फिर भी उसे चोट नहीं लगी। पता है क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट म्यूजिक सुन रहा था। गाइस तुम लोग तैयार हो ना? सब तैयार है। शुरू हो जा मेरे दोस्तों, इस पूरे गांव को बदबूदार मछलियों से भर देते हैं। तुम सबके सब क्या कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा ये लो, तुम भी आनंद ले लो इसका। मेरी आँख। ये सब क्या है? अब बात समझ में आई, रेमजी और उसके गैंग सही कह रहे थे। कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन करें क्या? बेवकूफी भरी समस्या का हल कोई बेवकूफी कर सकता है। आदमी अपने सपने में किसी जगह चला गया, फिर वापस लौटा ही नहीं। हंसो ना। हमारी मदद करो तंजू, खोलो इसे। हाँ हाँ करूँगा तुम्हारी मदद, लेकिन तुम्हारे कहने पर नहीं, बल्कि हमारी किस्मत खराब है कि हमें तुम्हारा वो बेवकूफी वाला आइडिया चाहिए। थैंक यू तंजू, इस मदद के बदले तुम्हें भी एक चुटकुला सुनाऊंगा। कतई नहीं, किसी हाल में भी नहीं सुनूंगा। अपने चुटकुलों को अपने पास रखो और ये बताओ लॉलीपॉप्स को कैसे रोक सकते हैं हम। बिल्कुल है, एकदम बेफिक्र हो जाओ।
एक बात पूछो, लॉलीपॉप कैसे खत्म करते हैं? उसे चाट कर। तो चलकर सारे लॉलीपॉप चाट कर खा जाते हैं। नहीं निकाटी, बैठो, इससे काम नहीं बनेगा। एक बड़ा कंटेनर चाहिए। तंजू, एक बड़ा कंटेनर यहाँ लाओ और सबको बुलाओ। सारा काम मुझसे कराकर खुद आराम से बैठोगे? तुम्हारी गलती ये थी, पहले तुमने हमारी बात नहीं मानी, समझे? ठीक है ताने मत मारो। ये गधों वाली ड्रेस क्यों पहनी है हमने? उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित करने के लिए। जब वो एक साथ इतने सारे गधे देखेंगे तो हमें देखने जरूर आएंगे। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? पकड़ो उन्हें, जाने ना पाए बोलो। उन्होंने देख लिया हमें, अब क्या करें? भागो। मर गए, आगे तो रास्ता बंद है। कहाँ भागोगे बच्चू, अब तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। हम इधर है, इधर आके तो देखो, हम इधर है, इधर देखो, इधर देखो, पाइप को घुमाया है, यहाँ तो आओ, आओ तो। हमसे भागने का सोच रहे हो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, समझे? अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाया उन्होंने। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब मैं क्या कहूँ, कुछ भी कहने के लिए नहीं है। दूध 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 दूध। ओके निकाटी, सब ठीक है। दूध 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 निकाटी, चुप रहोगे? ओ निकाटी, रुको, तो मैं इसे चुप करवाऊं? नहीं, अब शांत हो जाएगा। डूडू टू टू डू टू डूडू टू टू। निकाटी।